इसका पूरा वोट बैंक डैमेज कर दिया भाई, आप इसको छेड़ा क्यों? ना छेड़ते कम से कम हमारी इज्जत तो बच जाती है। अब तो लोग कहते हैं हम नवाज शरीफ के लिए अपना ईमान बार्गेन करते, क्या हुआ है? गलत है या ठीक है वो बात की बात है। एक नेगेटिव प्रोपोगेशन तो आपके खिलाफ गई है ना, एटमोसफेयर तो प्रिवेल हो गए, उसका डैमेज आप लोगों को, आप अपने पास गुजार चुके अच्छा सारी जिंदगी आपको तो हुकूमतों में निकाले। हम तो इस आदरे पर थे कि आप जमात की सहदत करेंगे, आपने उसका भी हमारे लिए बात बाकी। जब गाड़ी आती है तो जब गवर्नमेंट नहीं थी एक साइड पर वो सरंजाम खान सारी जिंदगी बेचारा वो रोया मेरे साथ गले मिलते हो, उसने कहा मुझे बीमार इस नवाज शरीफ ने जमात ने किया, उसको जमीन इतनी है उसको तो जरूरत नहीं है। आज मैं एमएसएफ भी बना लूंगा, एमएसएफ जमात मैंने अभी तक खड़ी कर लिया, मैंने 2.5 करोड़ का डीजल दाया, 2.5 करोड़ और डाल दिया, मेरे पास 50,000-60,000 लड़का है। हम अपनी फौज को थकाएंगे नहीं आपके लिए, बिल्कुल भी क्लियर कट बता रहा हूं ना। आप हमें इज्जत देते हैं ना, आप हमारा ख्याल करते हैं, आप लोग हमें अजू मतल समझ के ठीक है। वो थपकी वाले दिन गए जमात के लिए 50,000 बता दूंगा आपको, कह दिया उनके सामने आप इस टाइप की पेशी के ऊपर हमें इज्जत दो, हमारा मकान तो दो ना यार, कुछ और नहीं कर सकते। मैं तो नहीं मिलता आप लोगों को, किसी को नहीं मिलता आज का जैसा लीडर उस्ताद गया, आपने ये सब कुछ हमें सिखाया था, सच बोलना है मौसम नहीं नहीं तुम जज्बाती बात कर दो। अब क्या करें 25 साल आपकी मजीद वो उसके ऊपर चलते रहे कि नहीं अब हम सच ही बोलेंगे, सच ही बोलते हैं लोग लड़ते हैं हमारा रास्ता रोकते हैं, क्या करें? इन लोगों को कहां लेके जाए, मैं इनको जलील करूं सबको? मुझे बताएं किसके पास छोड़ू इसको, उसके लिए लड़ता हूँ जाके उसको लड़ लुट के शुक्र अल्लाह मारे आदमी ना सरकार ठीक है, मैंने बलोचिस्तान में काम किया, 18 अटैक हुए मुझ पर, मैंने वहां पे इंसर्जेंट उतारे, आर्मी वाले मेरी कदर करते हो मेरी बात मान लेते हैं, मैं डंडा देकर इंसर्जेंट